माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डे 4 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में कि पेज सेटअप क्या होता है और पेज सेटअप के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रैक्स क्या होते हैं, लाइन नंबर क्या होता है, हाइफनेशन क्या होता है, इंटेंट क्या होता है और स्पेसिंग क्या होता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो में। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में। तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग टैब दिखाई दे रहे होंगे, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, और डिजाइन के जस्ट बाद ही आपको मिल जाएगा लेआउट। इसे हम लोग पेज लेआउट भी कहते हैं। तो लेआउट के अंदर आपको सबसे पहला मेन्यू मिलेगा पेज सेटअप, और पेज सेटअप के अंदर पहला कमांड मिलेगा जिसका नाम है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई फाइल, जैसे सपोज दैट हम लोग मान लिए फाइल की जगह एक पेज लेते हैं, पेज क्या होता है और फाइल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं फाइल की, तो फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पेजेस होता है, यानी कि अगर बहुत सारे पेज को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो वो फाइल कहलाता है, और एक सिंगल इंडिविजुअल जो पेज होता है उसी को हम लोग पेज बोलते हैं, यानी सिंगल पेज पेज कहलाता है, और बहुत सारे पेज को अगर एक साथ कलेक्ट करते हैं तो हमारा फाइल कहलाता है, या उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग कोई सिंगल सा फाइल बनाते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये फाइल हमारे पास है, हम लोगों ने एक नया पेज ले लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने रैंड के द्वारा कुछ मैटर्स को यहाँ पर पेज पर इंसर्ट कर लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि पेज के ऊपर साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में, पेज के राइट साइड में, और अगर हम नीचे आए तो यहाँ भी आपको थोड़ी सी जगह दिखेगी। तो देखिए जो हमारा मैटर है इसको हम लोग पहले थोड़ा सा और रेड कर लेते हैं, इससे मैटर हमारा ज्यादा से ज्यादा पेज पर आ जाए। तो देखिए ये हमारा पेज फुल हो गया है। हम लोग पेज का जूम जो है वो कम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग आते हैं व्यू में, और यहाँ पे देखिए जूम में वन पेज करते हैं तो आपको वन पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए वन पेज का जूम जो है इसमें आपको ऊपर साइड में, नीचे साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ जगह छूटा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये जो जगह छूटा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन्स। ठीक है, जो आपका देखिए लेआउट टैब में पहला है मार्जिन्स। ठीक है, अगर ये मार्जिन हमें चेंज करना है, जैसे ये जो जगह छूटी हुई है कितनी छूटी हुई है, या इसको हम कितना कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर इसको सेट करना हो तो हम लोग यहाँ मार्जिन्स कमांड का प्रयोग करते हैं। पहले अपने सभी मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं, मार्जिन पे आते हैं, और यहाँ से देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको जो एक्टिवेट दिख रहा है जिसका नाम है नॉर्मल, तो आपका जो मार्जिन है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2.54 सेंटीमीटर टॉप में है, 2.54 सेंटीमीटर बॉटम में है, 2.54 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, और राइट में भी 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि जो चारों तरफ जगह छूटी हुई है वो हमारा 2.54 सेंटीमीटर जगह छूटा हुआ है। अगर इस जगह को और बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे वाइड कर देंगे, वाइड करने पे क्या होगा, जो यहाँ पे 2.54 ऊपर है तो ऊपर वही रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में देखिए 5.08 सेंटीमीटर जगह हमारा छूट जाएगा, यानी वाइड करने पर जो मार्जिन है वो हमारी लेफ्ट और राइट में ज्यादा छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं और फिर से मार्जिन में आते हैं, और इसी प्रकार अगर हमें इस मार्जिन को कम करना हो तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा नैरो, नैरो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा मार्जिन है ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा, जिससे एक पेज पर मैटर ज्यादा आएगा। तो ये होता है मार्जिन, यानी कि पेज के चारों तरफ जो जगह छोड़ी आती है उसी को बोलते हैं मार्जिन। जैसे आप लिखते होंगे तो ऊपर और लेफ्ट राइट में जगह छोड़ के लिखते होंगे, वैसे ही जब हम लोग डॉक्यूमेंट को बनाते हैं या उसको प्रिंट करना होता है तो मार्जिन का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। यदि मार्जिन हमारा बिल्कुल ना के बराबर है या बहुत कम है तो हो सकता है प्रिंट करते समय या जब हम पेजेस को कलेक्ट करके उन्हें फाइल के रूप में उन्हें स्पाइरल में उसको बाइंडिंग करेंगे तो हो सकता है कम मार्जिन की वजह से जो हमारा मैटर है वो दब जाए, इसलिए मार्जिन को छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए ओरिएंटेशन ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ठीक है, जो हमारा मैटर है, ये जो हमारा पेज है इस पे हमने लिख रखा है, ये एक ही पेज पे सारा मैटर आ रहा है और ये पेज की लंबाई में है। ठीक है, ऐसे सिंपल भाषा में समझना होगा तो पेज की लंबाई में अगर मैटर को प्रिंट करना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैटर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू अवध ग्लो चैनल। अगर मान लीजिए हमें ये मैटर प्रिंट करना हो तो आप देख रहे होंगे ये हमारा जो पेज है ये पेज की लंबाई में आएगा, यानी कि खड़ा खड़ा आएगा। अगर इसको हमें दूसरी तरह प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे,
लेआउट में आएंगे, ओरिएंटेशन में आएंगे और कर देंगे लैंडस्केप। तो देखिए जो पेज हमारा है वो पेज की चौड़ाई में आ गया, यानी कि ये जो लंबाई ज्यादा थी अब वो क्या हो गया है, अब ये चौड़ाई में आ गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। यानी जो ओरिएंटेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में जैसा आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आता है, और दूसरा होता है लैंडस्केप, इसमें हमारा मैटर इस प्रकार से आता है। तो ओरिएंटेशन मतलब होता है पेज को उसकी लंबाई या चौड़ाई में सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइज। साइज जो हमारा है यहाँ पे है जस्ट उसके बाद। साइज क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हमें यही जो हमारा लिखा हुआ मैटर है अगर हमें ये प्रिंट करना है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि ये जो मैटर है ये किस पेज पर प्रिंट करना है, उस पेज का साइज क्या होगा। जनरली जो हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं या जिसपे हम लोग मैटर प्रिंट करते हैं उसका साइज जो होता है A4 होता है। जब साइज में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मैटर दिखाई देंगे, ठीक है, सॉरी बहुत सारे पेज दिखाई देंगे, जैसे A4 है 10x15 cm, 4x6 इंच, ऐसे ही आपको अलग अलग, देखिए यहाँ पे A6 है, A5 है, B5 है, आपको यहाँ पे अलग अलग बहुत साइज दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए इनवेलप का साइज है, इनवेलप DL है, लेटर है, लीगल है, A3 है, तो ऐसे बहुत सारे पेज के साइज दिखाई देंगे। तो सपोज दैट हमारा जो पेज है जिसपे हमें प्रिंट करना है वो हमारा A4 है, तो हम A4 को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए A4 हमारा ये पेज बाय डिफॉल्ट हमने पहले से ही A4 ले रखा है। अगर हमें इसको प्रिंट करना है A3 पे, दोस्तों जो A3 होता है वो A4 से बड़ा होता है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और हमने A3 ले लिया तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारा पेज है ये बड़ा हो गया और इस बड़े पेज पे जो मैटर हमारा है ये थोड़ा सा कम आ गया। तो मैंने बताया आपको A4 जो होता है वो छोटा होता है और A3 जो होता है बड़ा होता है पेज, ठीक है। तो मान लीजिए हमें फिर से A4 पे करना है तो हम आएंगे साइज में और यहाँ से कर देंगे A4 कर देंगे, तो हमारा जो मैटर है अब ये A4 पर प्रिंट होने के लिए रेडी है। ये बिल्कुल ऐसे ही A4 पेज पर प्रिंट होगा। यानी जो साइज होता है उसका काम ये सेट करना होता है कि जो हमारे द्वारा लिखा गया मैटर है ये किस पेज पर, यानी कि A4 पे, A3 पर, किस पेज पर प्रिंट होगा, तो उसको हम लोग साइज के द्वारा सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है कॉलम। कॉलम क्या होता है, तो कॉलम को समझने के लिए एक मैटर लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक मैटर रैंड से मंगा लिया है और ये जो मैटर है ये सिंगल कॉलम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैटर यहाँ तक जा रहा है और फिर मैटर नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम। अब इसको जूम थोड़ा सा हम कम करते हैं, आज कम जूम में दिखाते हैं आपको। देखिए ये सिंगल कॉलम है। अगर पूरे मैटर को सेलेक्ट करके टू कॉलम में चाहते हैं करना, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, तो उसके लिए लेआउट पे आएंगे और यहाँ कॉलम में आएंगे और टू कॉलम पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो मैटर है ये दो कॉलम में हो गया, जिसको हमें पहले ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा, और फिर पढ़ते पढ़ते यहाँ खत्म होने के बाद तब ऊपर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये होता है मैटर को टू कॉलम या थ्री कॉलम में करना। अगर इस मैटर में हमें जरा सा मैटर ही, यानी कि इतना मैटर ही कॉलम में करना है, तो उतना ही सेलेक्ट करेंगे और कॉलम में आकर के टू कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो ऊपर लिखा गया मैटर है ये टू कॉलम में है और बाकी ये सिंगल कॉलम में है। अब फिर से हमें दो कॉलम के बाद फिर से हमें दो या तीन कॉलम करना है डबल कॉलम में, तो फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टू कॉलम में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैटर जो है वो ऐसे पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद इस कॉलम में आएंगे, फिर उसके बाद इस कॉलम को पढ़ेंगे, फिर इस कॉलम को पढ़ेंगे पूरे कॉलम को, फिर सिंगल कॉलम में इधर आएंगे, फिर इसको इधर पढ़ा जाएगा, फिर इधर और फिर नीचे, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा या ऐसे बनाया जाएगा। जनरली जो हमारा मैटर होता है वो सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में लिखा जाता है। तो अगर लिखा गया मैटर जो हमारा है उसे कॉलम में चेंज करना है तो हम लोग आएंगे कॉलम में और यहाँ से वन कॉलम में होता ही है, इसे हम टू कॉलम या थ्री कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कॉलम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट और राइट भी होता है। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो आप देखिए लेफ्ट में मैटर कुछ कम है और राइट में मैटर कुछ ज्यादा है। इसी प्रकार अगर हम राइट करते हैं तो राइट में मैटर थोड़ा सा कम है और लेफ्ट में ज्यादा है। तो लेफ्ट राइट और यहाँ पे 3, 2, 1, इस प्रकार से अलग अलग कॉलम होते हैं, तो इसको हम सिंगल कॉलम में ही रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है उसका नाम है ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होता है? ब्रेक्स का मतलब होता है पेज को ब्रेक करना, पेज को तोड़ना या पेज चेंज करना। तो इसके बारे में समझते हैं।
देखिए ब्रेक्स में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमको अलग अलग कमांड दिखाई देते हैं, जैसे पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो पहले इन तीनों को समझते हैं, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे अगर हम कोई मैटर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने हेलो क्लास, अब इसके बाद जो मैटर हमें लिखना है वो अगले पेज पे लिखना है, ठीक है। तो हम लोग आएंगे ब्रेक्स में और यहाँ से कर देंगे पेज ब्रेक। तो देखिए कर्सर जो हमारा है वो अगले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने फिर से रेड कर दिया तो हमने यहाँ पे मैटर लिख दिया। अब जूम थोड़ा सा कम करेंगे जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखिए पहला पेज जिसपे हेलो केवल लिखा हुआ है और उसके बाद सेकंड पेज पे हम आ गए हैं जहाँ से हमने मैटर लिखना शुरू किया है। जो ब्रेक में आपका पेज ब्रेक होता है, इसका काम होता है कि लिखे जा रहे मैटर से पेज को ब्रेक करना। जो हमारा पेज होता है वो हमारा अगले पेज पर आ जाता है। जैसे अगर हमने फिर यहाँ से रेंड किया और इसके बाद या इसी मैटर में से जो ये सेकंड कॉलम है, इसके बाद से हम चाहते हैं जो अगले तीन कॉलम है वो अगले पेज पे चले जाए, तो फिर से आएंगे लेआउट पर, ब्रेक्स में आएंगे और पेज पे ब्रेक कर देंगे। तो हमारा पेज जो है सेकंड कॉलम देखिए ऊपर है, दो कॉलम हमारा ऊपर है और बाकी तीनों कॉलम जो है वो नए पेज पे आ गए। तो ये ब्रेक में पहला होता है पेज ब्रेक, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका कॉलम ब्रेक। ब्रेक में आपका सेकंड होता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो रूलर है, ये जो रूलर आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिंगल दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा कॉलम है, जो हमारा कॉलम है वो वन कॉलम में है, ठीक है। अगर हम इसको कुछ मैटर लिखते हैं, इसे इक्वल आर ए एन डी करके हम यहाँ से कुछ मैटर ले लेते हैं और मैटर लेने के बाद पूरे मैटर को सेलेक्ट करके हम टू कॉलम में कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे पूरा मैटर जो है, अभी मैटर हमारा कम है तो मैटर हमारा एक साइड में ही पूरा आ गया है। जब ये पूरा फिल होगा, जब हमारा ये सिंगल कॉलम जो पहले लिखा गया है जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तभी हम लोग दूसरे कॉलम में आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानते हैं कि हमें पहले वाले कॉलम में केवल दो कॉलम लिखना है, इसके बाद जो सभी मैटर हैं, ये सारे मैटर जो हैं, ये अगले कॉलम में आ जाएं, तो इसके लिए होता है कॉलम ब्रेक, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेकंड है कॉलम ब्रेक, ब्रेक्स में जो सेकंड आपका दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, इसका काम होता है कॉलम को ब्रेक करना। ये आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम है, यानी हमारा मैटर दो कॉलम में लिखा जा रहा है। अब जहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ब्रेक्स पे आए और कॉलम कर दिया, तो टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक ये जो मैटर है ये सेकंड कॉलम में आ गया, तो इसको बोलते हैं कॉलम ब्रेक करना, ठीक है। तो ये होता है कॉलम ब्रेक करना। अगर मैटर दो या दो से अधिक कॉलम में लिखा जा रहा है और एक कॉलम में से मैटर दूसरे कॉलम में ले जाना है तो उसके लिए हम लोग कॉलम ब्रेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों, तो इसको समझते हैं टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। टेक्स्ट रैपिंग का यूज ये होता है, जैसे अगर हम किसी कॉलम में मैटर लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक मैटर लिख रहे हैं दिस इज माय कंप्यूटर और इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो हमारा लाइन तो चेंज होता ही होता है, इसके साथ पैराग्राफ भी चेंज हो जाता है। दिस इज माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर नेम इज PC1, ठीक है। तो मैं लिखा माय कंप्यूटर नेम इज PC1। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने एंटर किया है, इसके बाद जो हमारा मैटर है ये तीसरे कॉलम में आ रहा है, यानी एंटर करने पर लाइन भी चेंज होता है और साथ ही साथ कॉलम भी चेंज होता है। मैं लिखा हेलो क्लास, तो यहाँ पे जो हमारा मैटर है वो तीन कॉलम में लिखा हुआ है। अगर इसको सेलेक्ट करके हम होम से बुलेट या नंबरिंग करते हैं, जैसे मैंने बुलेट लगाया तो आप देख रहे होंगे तीनों ही कॉलम पे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, रैंड करते हैं, यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 फाइव कॉलम हमारे पास है और सबको सेलेक्ट करके अगर हम बुलेट लगाते हैं तो आप देख रहे हैं केवल कॉलम के स्टार्ट में आ रहा है, यानी लाइन के आगे बुलेट नहीं आ रहा है। तो जो बुलेट होता है या नंबरिंग होता है ये केवल पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है, लाइन के स्टार्ट में नहीं आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बुलेट होता है या नंबरिंग होती है वो केवल पैराग्राफ के स्टार्ट में आती है, लाइन के बीच में नहीं आता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी और इसके बाद हमने एंटर कर दिया, लिखा मैंने प्राइमरी मेमोरी और इसके मैंने दो भाग लिखे, पहला लिखा आर ओ एम और फिर लिखा मैंने आर ए एम और फिर लिखा मैंने सेकेंडरी मेमोरी। अब सपोज दैट मुझे इसको बुलेट या नंबरिंग के द्वारा बुलेट या नंबरिंग लगाना है, तो हम आते हैं होम पे और यहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड रोम, थर्ड रैम, फोर्थ सेकेंडरी मेमोरी, जो कि सही नहीं है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि केवल प्राइमरी मेमोरी पे नंबरिंग हो
और सेकेंडरी मेमोरी पे नंबरिंग हो, बाकी इन दोनों पे नंबरिंग ना हो, यही लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं, हम अगर चाहते हैं कि इस पर नंबरिंग हो इस वाले पैराग्राफ पे और इस वाले पैराग्राफ पे नंबरिंग हो, बाकी इन दोनों पे नंबरिंग ना हो, तो ऐसा करने के लिए ही टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए कैसे होगा, तो हम फिर से लिखते हैं। हमें लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, एंटर प्राइमरी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एंटर जब करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे बिना पैराग्राफ चेंज किए ही, हमें बिना पैराग्राफ चेंज किए ही लाइन चेंज करना हो तो उसके लिए लेआउट में आएंगे, ब्रेक्स में आएंगे और टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए कर्सर हमारा नीचे आ गया है, लेकिन लाइन जो है वो पहले ही पैराग्राफ में है, लाइन जो है वो पहले पैराग्राफ में, यानी यहाँ पे लाइन चेंज हुआ है लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखा R O M और फिर हमने ब्रेक्स पे आए और फिर हमने टेक्स्ट रैपिंग किया, फिर लिखा मैंने R A M और अब की बार हम एंटर करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया कि मुझे R O M और R A M पे नंबरिंग नहीं करना है, लेकिन जो अगला आएगा सेकेंडरी मेमोरी उस पे नंबरिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और लिखा मैंने सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए दोस्तों, जब इसको सेलेक्ट करके हम नंबरिंग करते हैं, फिर से आते हैं होम पर या बुलेट या नंबरिंग कुछ भी करते हैं, तो देखिए केवल यहाँ पे प्राइमरी पे हुआ, सेकेंडरी पे हुआ, इन दोनों पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इन दोनों पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो लाइन है वो इसी पैराग्राफ में है। ठीक है, तो बिना पैराग्राफ चेंज किए, समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं इस चीज को, नहीं तो नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं कि लाइन चेंज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर बिना पैराग्राफ चेंज किए हमें उसी पैराग्राफ में लिखना है, लेकिन जो लाइन हो चेंज हो, यानी कि एक ही पैराग्राफ के अंदर अलग अलग लाइन में लिखना हो, तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ब्रैक्स में तीसरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। अगर मेरे द्वारा बताया गया जो भी मैटर है या जो भी हम आपको बता रहे हैं, अगर वो समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए, इससे अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है, इसका नाम है हाइफनेशन। ठीक है, हाइफनेशन क्या होता है दोस्तों, अगर हम एक मैटर लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा एक मैटर हो गया। अब इस मैटर में ऐसा कई बार हुआ होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यू कैन पेस्ट। ठीक है, तो जो पेस्ट है वो शायद ये वाला पेस्ट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, हम मिटाते हैं इसको, देखिए पी आ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद का ए एस टी ई नहीं आ सकता है, तो हमने कंट्रोल जेड कर दिया, वापस से आ गए। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम कुछ शब्द लिख सकते हैं, लेकिन जगह ना होने के कारण वो नीचे आ गया। इसी प्रकार हो सकता है कि हम लोग यहाँ भी जहाँ पे लिखा हुआ है पेज, उसके बाद यहाँ पे नीचे हेडर आ गया है, यहाँ भी, यानी जहाँ पे यहाँ जगह अगर बची हुई है थोड़ी सी, लेकिन जगह कम है, इससे हमारा मैटर क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि वो बची हुई जगह भी यूज हो जाए, तो उसको इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए हाइफनेशन का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, पहले सभी मैटर को सेलेक्ट करेंगे और हाइफनेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो आप देखिए कहीं कहीं आपको दिखाई दिया होगा शायद, आपको ना आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर, वे अ पिक्चर, कंट्रोल जेड करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पिक्चर है, ये जो पिक्चर लिखा हुआ है ये नीचे है, जबकि यहाँ पिक्चर आ सकता है, यहाँ पे पिक्चर के कुछ लेटर आ सकते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और फिर से हम आते हैं हाइफनेशन में आते हैं और यहाँ से मैंने ऑटोमेटिकली कर दिया, तो देखिए पी आई सी और डैश लगा करके और यहाँ पे टी यू आर ई हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द बड़ा है जिसकी वजह से उसकी लाइन जो है वो चेंज हो जा रही है, तो हाइफनेशन कर देने से क्या होता है, कुछ शब्द आगे लिख करके डैश लगा करके बाकी शब्द को नीचे कर देता है, सॉरी बाकी लेटर को, कुछ लेटर लिख के डैश लगा करके बाकी लेटर को नीचे कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइफनेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट और स्पेसिंग को समझते हैं, चलिए पहले समझ लेते हैं हम लोग स्पेसिंग को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ मैटर पहले से लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, जो हमारा यहाँ पे चार पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 पांच पैराग्राफ यहाँ पे हमारे हैं, और हर पैराग्राफ के बाद
जैसे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे पहले पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ है इसके बीच जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड के बीच गैप ज्यादा है, थर्ड और फोर्थ के बीच गैप ज्यादा है, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच भी गैप ज्यादा है। तो जो पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच जो गैप आप देख रहे हैं इसको सेट करने के लिए हम लोग स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। तो फिर से यहाँ पे मैटर को सेलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे आफ्टर में लिखा है 8 पॉइंट, ठीक है, इसको हम बढ़ाते हैं तो देखिए ये 12 पॉइंट हो गया। तो जो लाइन है, जो पैराग्राफ के बीच का लाइन है, उसके बीच गैप जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ है इनके बीच जो गैप है वो कम या ज्यादा हो रहा है। तो जो स्पेसिंग होता है उसका काम होता है पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच के गैप को कम या ज्यादा करना। तो मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट रखा हुआ है, 12 पॉइंट रखा हुआ है। तो जो स्पेसिंग होता है इसका काम होता है पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच का जो गैप होता है उसको एडजस्ट करना। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिर पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है उसका गैप कैसे एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने आपको शायद बताया होगा, आप होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग, ठीक है, सॉरी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप 1.0 करेंगे तो गैप कुछ कम हो गया, इसको आप 1.5 करेंगे तो देखिए गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ के बीच लाइन है उसका गैप अगर एडजस्ट करना है तो उसके लिए होम टैब पे आएंगे, पैराग्राफ मेनू के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, और लेआउट के अंदर जो आपको स्पेसिंग मिलता है इसका काम होता है पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच के गैप को एडजस्ट करने के लिए। अब हम समझते हैं इंडेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आफ्टर लिखा हुआ हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, बिफोर को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं तो चाहे आप बिफोर को चेंज करेंगे और चाहे आप आफ्टर को चेंज करेंगे दोनों एक ही बात होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है, केवल अगर हमने केवल इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है तो जो आफ्टर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ से नीचे वाले पैराग्राफ के बीच गैप सेट करेगा, अब बिफोर करने पर क्या होगा ये ऊपर वाले पे, यानी कि अगर कोई बीच का पैराग्राफ है और मुझे उससे ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच का स्पेस एडजस्ट करना है तो हम बिफोर को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद के पैराग्राफ के साथ में उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करना है तो हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंडेंट की तरफ। इंडेंट क्या होता है दोस्तों, तो इसके लिए हम एक मैटर लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक मैटर लिख लिया है। अब इस मैटर में जो इनपुट डिवाइस है, इसके बाद जो तीन इनपुट डिवाइस लिखे गए हैं इसको सेलेक्ट करके होम में आते हैं और यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। इसी प्रकार आउटपुट में भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैराग्राफ के आगे कुछ यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है, इसी गैप को हम लोग इंडेंट बोलते हैं। यानी पैराग्राफ के आगे जो आप गैप दिखता है इसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं, और जो पेज के चारों तरफ जो गैप दिखता है इसको मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन और इंडेंट में अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो पैराग्राफ के आगे आपको गैप दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। तो हमने पैराग्राफ के तीन लाइन को सेलेक्ट किया और लेआउट पे आते हैं। जो ये इंडेंट है आपको दिख रहा होगा 0.64 सेंटीमीटर का है। अगर इसे और बढ़ाना है तो यहाँ से हम लोग इंडेंट को और बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना है तो इंडेंट को पूरी तरह से हम लोग कम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 0 सेंटीमीटर। अब हमारा जो पहला पैराग्राफ है जस्ट उसके बराबर ये पैराग्राफ भी आ गया। जबकि दोस्तों जो लिखने का तरीका होता है वो यही होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज बुलेट या नंबरिंग के द्वारा सेट करते हैं तो उसमें इंडेंट अपने आप आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस सेकेंड वाले पैराग्राफ में 0.64 है, तो इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से लिख देते हैं हम लोग 0.64 और एंटर, तो जो इंडेंट है ये दोनों बराबर हो गया। तो पैराग्राफ के आगे जो गैप दिखता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेंट। आई होप आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। देखिए हमारा आज का टॉपिक जो था पेज सेटअप, ये भी हो गया, मार्जिन भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया, साइज, कॉलम, टेक्स्ट, लाइन नंबर शायद आपका भी नहीं हुआ है। चलिए लाइन नंबर को समझते हैं। लाइन नंबर क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक मैटर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वल रैंड का प्रयोग करेंगे जिससे हम एक मैटर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि जब हम लोग इस पर बुलेट या नंबरिंग का प्रयोग कर रहे थे तो केवल पैराग्राफ के आगे ही बुलेट या नंबरिंग आ रहा था, ठीक है। तो मात्र यहाँ पे हमने नंबरिंग किया तो आप देख रहे हैं केवल
पैराग्राफ के स्टार्ट में ही नंबरिंग आ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक लाइन पर जितने भी पैराग्राफ हैं उन पर और उनके बीच जितने भी लाइन हैं उन सभी पर नंबरिंग हो जाए, तो इसके लिए हम लोग लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। लाइन नंबर का प्रयोग करने के लिए लेआउट में आएंगे और यहाँ पे आपको लाइन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और करेंगे कंटिन्यूअस। तो आपको यहाँ पे देखिए हर पैराग्राफ के आगे प्लस लाइन के आगे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल यहाँ पे हमारा 15 लाइन हमने लिख रखा है। तो लाइन नंबरिंग जो होता है ये पैराग्राफ और उनके बीच कितने भी लाइन लिखे गए हैं सबकी नंबरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।